चलिए न्यूक्लियस से रिलेटेड अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने डाउट्स लिए नहीं हैं, मैं कुछ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पहले अपने से ही करा देता हूं, फिर आपके डाउट्स जो होंगे उन्हें लिखूंगा और कराऊंगा। यह कुछ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स मैं इसी समय कराता हूं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सेशन में से मैं इसी समय फोर्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम, सेवेंथ प्रॉब्लम, टेंथ, थर्टीन, सेवेंटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी वन, सेवेंटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी वन, यह प्रॉब्लम्स ऐसे इलस्ट्रेशन में क्लास में कराता हूं आपको। तो अभी तक की जो मैंने थ्योरी समझाई है उसमें आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा, एक इनिशिएशन मिल जाएगा, और उसके बाद एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो फिर चल पड़ती है। एक धक्का लगा देता हूं इतने प्रॉब्लम्स करा के। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर फोर्थ देखिए। इसी समय द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 235 अगेंस्ट अल्फा डी के, यूरेनियम 235 दे रखा है और इसके हाफ लाइफ दे रखी है 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स। दिस इज द हाफ लाइफ गिवन टू यू। How long does it take for 7/8 of the sample of this isotope to decay? Now it's a verbal problem. 7/8 decay karna hai. 7/8 decay karna hai means 1/8 undecayed bacha reh jana chahiye. इट्स अ वर्बल प्रॉब्लम, इसमें कोई इक्वेशन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हाफ लाइफ दे रखी है 4.5 × 10⁹, इसमें यूरेनियम 235 आधा रह जाएगा 1/2, तो 1/2 रह जाएगा आफ्टर वन हाफ लाइफ, और इस आधे का भी आधा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा आफ्टर टू हाफ लाइफ, और इसका भी आधा हो जाएगा मींस 1/8 रह जाएगा आफ्टर थ्री हाफ लाइफ। सो 1/8 ऑफ यूरेनियम वुड डीके आफ्टर द टाइम ऑफ 3 × ½ लाइफ, दैट इज 3 × 4.5 × 10⁹ ईयर्स। सो द करेक्ट आंसर इज 3 × 4.5 इज 1.35 × 10⁻¹ ईयर्स। इतने सालों के बाद वहां पर 1/8 ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम अनडिकेट बचा रह जाएगा, और 7/8 डीके हो जाएगा। अब इसी का बी पोर्शन में उन्होंने पूछा है, बी यह तो ए पार्ट है, बी पार्ट में पूछा है 15/16 टू डीके। यह तो ए पार्ट है, बी पार्ट में उन्होंने पूछा है 15/16 डीके हो जाए। 15/16 डीके हो जाए मींस 1/16 अनडीकेड, तो उसके लिए इसी का कंटिन्यूएशन 1/8। यह तो ए पार्ट का आंसर हुआ, यह तो ए पार्ट का आंसर हुआ। बी पार्ट के लिए मैं लिख दूंगा 1/8 तीन हाफ लाइफ में बचेगा, 1/16 चार हाफ लाइफ में बचेगा। सो दिस इज 4 × t½, और दैट टाइम वुड बी 1.8 × 10⁻¹ Yes, this is answer to the B part of the question. It's a simple question. अब इसी समय fifth वाला करूंगा। The half life against beta decay of strontium isotope. Strontium isotope है और इसका beta decay होता है, it gives you बीटा पार्टिकल
और इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 28 ईयर्स. वॉट डज स्ट्रॉन्शियम बिकम आफ्टर बीटा डीके? बीटा डीके के बाद जो बनेगा उसके मास नंबर में कोई फर्क नहीं है, 39 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है वह बनेगा. जनरली ऐसा एलिमेंट दिया हुआ होता है, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसके आगे के डेटा में आपको दिया हुआ होगा. तो मैं इधर तो देख लेता हूं क्योंकि पीरियोडिक टेबल देखना पड़ता है. वॉट डज स्ट्रॉन्शियम बिकम आफ्टर बीटा डीके? वॉट परसेंटेज ऑफ सैंपल ऑफ स्ट्रॉन्शियम 90 वुड रिमेन अनडीकेड आफ्टर 112 ईयर्स के बाद कितना परसेंटेज अनडीकेड रह जाएगा? तो यह देखिए, सबसे पहले यह भी एक वर्बल प्रॉब्लम ही है, कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है. सबसे पहले 112 ईयर्स को 28 के मल्टीपल्स में लिखने की कोशिश करेंगे. तो हम कहते हैं 4 × 28 ईयर्स है यह, मींस यह 4 हाफ लाइफ है. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं when t equal to n t half, after passing of n half life, number of रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज एन नॉट अपॉन 2^n और n अपॉन एन नॉट इज 1/2^n. सो आफ्टर पासिंग ऑफ 4 हाफ लाइफ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अनडिकेड वुड बी इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2^4 और n अपॉन एन नॉट वुड बी 1/16. So the percentage undecayed would be 1/16 × 100 or 6.25% it seems. इसी समय दोनों प्रॉब्लम को देखिए, दे वर्बल प्रॉब्लम और कोई खास इसमें एप्लीकेशन नहीं था, बस यह बात समझनी थी. यह कंसेप्ट हमें हमेशा के लिए मेमोराइज कर लेना चाहिए. आफ्टर पासिंग ऑफ एन हाफ लाइफ नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियस अनडिकेड इज एन नॉट अपॉन 2^n. इसी समय इसको नोट डाउन कीजिए, 7th और 10th फटाफट कराऊंगा मैं. नाउ लेट्स सॉल्व द 7th प्रॉब्लम. हाफ लाइफ ऑफ थोरियम, थोरियम 230 90 एंड इट्स हाफ लाइफ इज गिवन टू अस. हाफ लाइफ इज 7.6 × 10^3 ईयर्स. हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ऑकर इन 1 ग्राम ऑफ थोरियम? 1 ग्राम थोरियम लिया तो इसमें माइनस dN बाय dt क्या होगा? नाउ दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम. हम हाफ लाइफ से डीके कांस्टेंट निकाल लेते हैं. अब इन्हें एक और बात क्या पूछी, हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड? यह इन्हें पूछा है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ऑकर इन 1 ग्राम ऑफ थोरियम, ठीक है ना. तो हम ये जो हाफ लाइफ ईयर्स में रखी है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हुए डीके कांस्टेंट लिखेंगे. हम अच्छी तरह से जानते हैं डीके कांस्टेंट इज 0.693 अपॉन टी हाफ. तो डीके कांस्टेंट हम लिखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ की जगह पर 7.6 × 10^3 ईयर से. ईयर्स को हम कन्वर्ट करेंगे डेज में, डेज को कन्वर्ट करेंगे आर्स में और आर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में. इस तरीके से हमने डीके कांस्टेंट को पर सेकेंड्स में लिख दिया. दिस इज डीके कांस्टेंट रिटन इन पर सेकेंड्स. अब हम एन लिख देते हैं. एन इज नंबर ऑफ रेडिएक्टिव न्यूक्लियस. अब 1 ग्राम दे रखा है तो 1 ग्राम अपॉन 230 ग्राम्स पर ग्राम एटम.
सो ये नंबर ऑफ ग्राम एटम हो गया 1/230 ग्राम एटम, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स में कैसे, 1/230 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23। इस तरह से हमने नंबर ऑफ एटम्स एन की वैल्यू लिख दी। अब हम माइनस dN बाई dt जो हमें डिटरमाइन करना है उसके लिए एक्सप्रेशन पहले लिख देते हैं। माइनस dN बाई dt इज लेमडा इंटू एन, लेमडा की जगह पर 0.693 अपॉन 7.6 इंटू 10^3 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 होल इंटू 1/230 इंटू 6.023 इंटू 10^23 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दिस इज द डिजायर्ड आंसर। अब मैं इसी समय 10th वाला भी करूंगा। ध्यान से देखिए, हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ से डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा निकाल दिया, 1 ग्राम दे रखा है तो 1 ग्राम से एन निकाल दिया, 1 ग्राम अपॉन 230 ये ग्राम एटम्स हो गया, ग्राम एटम्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स हो गया, और नंबर ऑफ एटम्स माइनस जी एन बाई डी टी इज लैम्डा, लैम्डा पर सेकेंड में लिखा हुआ है, एन एटम्स में लिखा हुआ है, तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आ गया। अब 10th, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब देखिए, हाफ लाइफ हमें डिटरमाइन करना है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की। इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास है 240। इट इज ऑब्जर्व दैट एवरेज 7.8 बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड पर सेकेंड। माइनस dN by dt is 7.8 dps by 2.4 milligrams of element. What is half life? अब देखिए, सबसे पहले हम n की वैल्यू लिख देते हैं। n is 2.4 इंटू 10^-3। इतने ग्राम्स है, इतने ग्राम्स को हमने ग्राम एटम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स को हमने पहले मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करा इंटू 10^3 करके, फिर उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करके ग्राम एटम में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। इस तरीके से हमें एन मिल गया। अब हम माइनस dN बाय dt इक्वल टू लेमडा एन, इसे अप्लाई करके हम लेमडा की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। हम माइनस dN बाय dt की जगह लिखेंगे 7.8 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, लेमडा हमें निकालना है, और एन की जगह 2.4 इंटू 10^-3 अपॉन 240 इंटू 6.023 इंटू 10^23। इससे हमारा लैम्डा आ जाएगा पर सेकेंड में, इससे लैम्डा की वैल्यू पर सेकेंड में आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू पर सेकेंड में आते से ही फिर हम हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे। हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन लैम्डा। इस तरह से हमें हाफ लाइफ सेकेंड्स में मिल जाएगी। कैलकुलेट इट, डिटरमाइन इट, वेरीफाई द आंसर। किस तरह से करना है, या देखिए, हाफ लाइफ निकालना था, ए दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है, dN by dt दे रखा है, और वेट ऑफ सैंपल दे रखा है, और उससे हमने n पहले निकाला, वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, और माइनस dN by dt इक्वल टू लैम्डा n, इससे लैम्डा निकल गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, माइनस dN by dt दे रखा था, n हमने लिख दिया, इससे लैम्डा आ गया, और लैम्डा से फिर हाफ लाइफ आ गया, और यही हमें चाहिए था। नोट डाउन करें, सॉल्व करके देखें, आंसर वेरीफाई करें। इलस्ट्रेशन के लिए 13th और 17th दोनों प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद।